हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो iOS 13.6 का अपडेट है वो आ चुका है पब्लिक के लिए, और आज इस वीडियो में बात करूंगा क्या आपको iOS 13.6 अपडेट करना चाहिए या स्किप करना चाहिए, और आपको इसके अंदर क्या नया देखने को मिलता है, और आप किस तरह से इसे बिना वाईफाई के अपडेट कर सकते हैं अपने सेलुलर डेटा से। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। तो जरूर कर लेना आप, क्योंकि मैं एप्पल और आईफोन से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या नया देखने को मिलता है आपको iOS 13.6 के अंदर। सो यहाँ पे मैं जाऊंगा जर्नल के अंदर और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं देखने को मिलता है डिजिटल कार कीज। यहाँ पर आप अपनी कार को जो अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं अपने आईफोन से। बट ये फीचर सभी कारों में नहीं होता, ये स्पेशल एक BMW की कार आने वाली है, वो भी 2021 के एंड के अंदर। सो वहां पर आपको इसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो और भी कार मैन्युफैक्चरर है, अगर वो इसको इनेबल करते हैं तब आप इससे अनलॉक कर सकते हैं अपनी कार को, और ये कार की आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जो दूसरा इसके अंदर अपडेट देखने को मिलता है वो है एप्पल न्यूज को लेकर। सो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में एप्पल न्यूज की सर्विसेज है ही नहीं। सो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हेल्थ कैटेगरीज की, तो यहाँ पे कुछ नए सिम्टम्स ऐड करे गए हैं हेल्थ ऐप के अंदर, जहाँ पे आपको ECG और साइकिल ट्रैकिंग देखने को मिलेगी। अब वहां से आप जाके इसे ऐड कर सकते हैं, और भी कुछ सेक्शंस हैं जो ऐड करे गए हैं। सो काफी अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है अगर आपके पास एक एप्पल वॉच है, या फिर अगर आप आईफोन से भी ट्रैक करते हैं। सो काफी यूजफुल होने वाला है ये चीज। सो यहाँ पर कुछ बग फिक्सेस भी करे गए हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, अगर आप वाईफाई से अपने फोन को अपडेट करते हैं तो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप जो है उसको अपनी मर्जी से जब चाहे तब आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ आपको फिक्स देखने को मिलता है, अगर आप वाईफाई कॉलिंग के थ्रू कॉल कर रहे थे तो यहाँ पे आपकी कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो जा रही थी, आपकी ऑडियो नहीं जा रही थी। सो उसको भी यहाँ पे फिक्स करा गया है। और यहाँ पर अगर आप एक कीबोर्ड का यूज करते हैं वायरलेस वाले का, तो उसके अंदर भी आपको इश्यू देखने को पहले मिल रहे थे, उसके अंदर एक्यूरेट टाइम पे टाइपिंग नहीं हो रही थी, थोड़ा डिले हो रहा था, तो इसको भी फिक्स करा गया है। ओवरऑल ये अच्छा अपडेट है और आपको ये अपडेट करना चाहिए। सो अभी हम बात कर लेते हैं आप किस तरह से इसे अपडेट कर सकते हैं बिना वाईफाई के। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं डेटा ऑन कर देता हूँ अपने फोन का, और उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पर जर्नल के अंदर। जर्नल के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है डेट एंड टाइम के अंदर, और यहाँ पे आपको दिखेगा सेट ऑटोमेटिकली, इसे करना है टर्न ऑफ। उसके बाद यहाँ पर आपको जो डेट दिखेगी टुडे, आज की डेट है 16 जुलाई। सो यहाँ पर मैं इसे 10 दिन बढ़ाने वाला हूँ, आज 16 तारीख है 16 जुलाई, तो यहाँ पे मैं 26 जुलाई कर दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे वापस से यहाँ पर इसे बैक पे जाना है, और यहाँ पे वापस से करना है मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट चेक। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे फोन है वो 4G पे इनेबल है। सो यहाँ पर जो अपडेट है वो 385.8 MB का है। सो यहाँ पर मेरे पास iPhone 10 आ रहा है, और आपके फोन में ये डिफरेंट हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है इसका साइज, और साइज कम भी हो सकता है, तो उसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको वही अपडेट देखने को मिलेगा, वही सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे डाउनलोड और इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, मैंने सिर्फ इसे 10 दिन आगे डेट बढ़ाई है, और आप भी यही करके आप इसे अपडेट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको अपडेट करके भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड है वो इंटर कर दिया है, और यहाँ पे एस्टिमेटिंग टाइम रिमेनिंग बता रहा है, क्योंकि फोन का डेटा जो थोड़ा स्लो है, और मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं iOS 13.6 जो है वो डाउनलोड हो चुका है मेरे फोन के अंदर, और वो भी सेलुलर डेटा से। और इसे डाउनलोड करने में मुझे 25 मिनट लग गए, और ये काफी ज्यादा स्लो डाउनलोड हो रहा था, बट ये काम करता है। सो आप इस तरह से अपडेट कर सकते हैं अपने आईफोन को। मैं जल्दी से इसे इंस्टॉल कर लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। सो जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं, मेरा आईफोन हो चुका है iOS 13.6 पर अपडेट। तो यहां से मैं जाऊंगा सेटिंग्स के अंदर, और यहां से मुझे जाना है जर्नल में, यहां पर दिखेगा सॉफ्टवेयर अपडेट। सो यहाँ पर जो नई सेटिंग्स आई हैं, डाउनलोड iOS अपडेट। सो यहाँ पर आप वाईफाई जब आपके पास अवेलेबल हो तो आप पहले से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप खुद मैनेज कर सकते हैं कि आपको इसे कब इंस्टॉल करना है।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नए हो चैनल पे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या मुझे आप डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई वहाँ पे कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।